नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल दोस्तों। आज देखिए, मैंने आपको पहले दिखाया था ये फ्रेम कैसे अपना 12 mm का ग्लास डोर कैसे फिक्स करते हैं, और मैंने आपको पूरा बना के भी दिखाया था पूरा कैसे फिटिंग इसकी करते हैं। फिटिंग दिखाई थी पूरी, आज मैंने इसको पूरा फिट कर दिया है। और इसमें मैं बताऊँ आपको, गिलास भी मैंने पूरा फिट कर दिया है। तो जो मैंने गिलास का साइज लिया था, मैं बता दूँ आपको, ये मैंने पूरा जो है 12 mm का गिलास लगाया हुआ है। ये हमारा 12 mm का गिलास है, ये भी हमारा पूरा 12 mm का गिलास है, ये भी पूरा 12 mm का गिलास है। ये जो गिलास है हमारे, ये तीनों नीचे वाले जो है, ये पूरे 12 mm के हमारे गिलास है। अब मैंने इसका जो साइज लिया था गिलास का, ये काफ़ी है, क्योंकि ये चौड़ाई में हमारा काफ़ी बड़ा है और हाइट में भी ठीक ही है। तो हमने जो है इसका साइज इस हिसाब से लिया था कि हमको ये सेक्शन और ये सेक्शन खोलनी ना पड़े और हमारा गिलास इसमें बीच में फिक्स आ जाए। तो मैंने क्या किया आपको बता दूं, मैंने जो इसका साइज लिया है मैं दिखाऊं आपको। मैंने क्या किया, एक तो ये जो फीता है अपना पूरा इसके अंदर जाने दिया मैंने, इसके जो हमारा ये सेक्शन लगाया हुआ है मैंने, ये ग्रुप का, ये सेक्शन के जो ग्रुप में मैंने बिल्कुल अंदर करके, एक मिनट में दिखाता हूँ आपको। ये जो फिर मैंने साइज लिया है, मैंने इस साइड जो है अपना पूरा सेक्शन के अंदर, यहाँ पे जो ग्रुप हमारा पूरा यहाँ तक होता है, मैंने फीते को पूरा यहाँ तक रखा है इसके बराबर, इसको फीते को पूरा यहाँ पे बराबर रख के। और फिर जो है मैंने ये जो सेक्शन है हमारा, ये बिल्कुल जो है सेक्शन का ऊपरी हिस्सा, जो ऊपर वाला भाग है, हमने इसके बराबर ग्लास दिया है। यहाँ पे हमारा 78 इंची आ रहा है बिल्कुल ऊपर का हिस्सा, तो हमने उस हिसाब से इसमें जो है हमारा यहाँ 78 इंची आ गया है, तो हमने उस हिसाब से इसका पूरा साइज 78 इंची दिया है। साइज दे दिया है पूरा शीशे का 78 इंची। अब मैंने ये शीशा डालना है, तो मैंने क्या किया है, मैंने यहाँ पे रख के इस तरह से कुछ इस तरह से, हमने समझ लो कुछ लकड़ी की फट्टी रख के, और मैंने गिलास को उठा के इसके ऊपर रख लिया है। गिलास को इसके ऊपर रखने के बाद फिर मैंने क्या किया है, इसमें गिलास यहाँ पे रखने के बाद फिर मैंने यहाँ पे पैकिंग बनाई है, ये लकड़ी की जो है मैंने थोड़ी सी पैकिंग बनाई है लकड़ी की, ये लकड़ी जो मैं दिखा दूँ आपको, इस तरह से हमने लकड़ी की पैकिंग पूरी इसके बराबर काट के, ये सेक्शन के बराबर काट के, यहाँ से मैंने काट के इसको छोटा करके और इसके अंदर लगा दी पैकिंग। और हमने यहाँ से गिलास उठाया, पहले ऊपर वाले हिस्से में जो है मैंने, ये जो ऊपर वाला हिस्सा है, मैंने यहाँ से गिलास उठा के पूरा ऊपर वाले हिस्से में अंदर डाल दिया और इसके बराबर आ गया। फिर इसके बाद जो हमने नीचे पैकिंग रखी थी, एक नीचे रख दी है, एक पैकिंग यहाँ पे, एक पैकिंग सेंटर में, एक पैकिंग लास्ट में, उसके ऊपर मैंने ये पूरा गिलास रख दिया। तो इससे क्या हुआ कि हमारा गिलास भी आराम से इसके अंदर आ गया और हमको ये कोई सेक्शन खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसलिए ये साइज तो हमारे इसी हिसाब से होता है इसका। और इसका जो मैंने पल्ले का साइज लिया है, ये मैंने क्या किया है, ये मैंने पूरी हाइट नाप के, यहाँ से यहाँ मैंने पूरी हाइट नाप ली है इसकी। पूरी हाइट नापने के बाद मैंने इसमें डोर में क्या किया हुआ है, ये डोर का गिलास का जब साइज दिया है मैंने, तो पूरी हाइट नापने के बाद मैंने इसमें 5 इंची 6 सूत लेस कर दिया है। 5 इंची 6 सूत लेस करने के बाद हमने इसकी डोर का हाइट का साइज दे दिया है। हाइट जितनी भी हमारी है या 7 फिट है, तो हम इसमें से 5 इंची 6 सूत लेस कर देंगे और शीशे का हम साइज दे देंगे हाइट में, तो हमारा हाइट का साइज बिल्कुल क्लियर आ जाएगा। आपको थोड़ी थोड़ी सी पैकिंग लगानी पड़ेगी इसमें सेक्शन में, थोड़ी सी नीचे, थोड़ी सी ऊपर। थोड़ी सी पैकिंग लगाने के बाद हम इसमें सिलिकॉन डाल के और इसको पेस्ट करके बिल्कुल फिट हमारे साइज एकदम बढ़िया आ जाएगा। और चौड़ाई में हमने क्या किया हुआ है, चौड़ाई हमारी है जो ये हो रही है, हमारी चौड़ाई जो हमारी ये 43 इंची चौड़ाई हो रही है दरवाजे की, 43 इंची पूरी चौड़ाई हो रही है दरवाजे की। तो मैंने इसमें 2 सूत कम कर दिया है। ये हमने इसका जो साइज दिया था पल्ले का, ये हमने दिया था 42 इंची 6 सूत का। तो जो डोर का जो हमारा साइज आएगा, उसमें हम पूरा पूरा नाप के, ये गिलास के बाद, ये गिलास के, या गिलास नहीं है हमारा, इस सेक्शन से लेके इस सेक्शन तक नापेंगे, तो ये हमारा अगर 43 इंची हो रहा है, जितना भी हो रहा है, हम इसमें 2 सूत लेस कर देंगे चौड़ाई में। 2 सूत लेस करने के बाद हम इसका हाइट का 5 इंची 6 सूत और चौड़ाई में 2 सूत
यहाँ से सेक्शन नाप के लेस कर देंगे, उसके बाद हम ये शीशे डोर का भी साइज दे देंगे, जिससे कि हमारा डोर का साइज बिल्कुल एग्जैक्ट आएगा। तो मैं दिखा दूं आपको, मैंने जो साइज दिया है 2 सूट का, 1 सूट का गैप हमारा ये डोर में यहाँ पे इस साइड पीछे वाली साइड आ रहा है, और मैं दिखा दूं आपको 1 सूट का गैप हमारा इस साइड आ रहा है। ये देखिए 1 सूट का गैप हमारा यहाँ पे इस साइड आ रहा है, 1 सूट का हमने आगे गैप आ रहा है, 1 सूट का हमारा पीछे गैप आ रहा है। तो हमारा पल्ला भी इसमें, और पल्ला देखिए हमारा बिल्कुल फर्स्ट क्लास चल रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, इसमें कभी भी आपको कभी भी इस तरह से आप ये जो है 12 mm का गिलास का साइज दे सकते हैं, क्योंकि हमारा ये गिलास का हम अगर थोड़ा बड़ा साइज देते हैं तो फिर डालने में बहुत दिक्कत हो जाती है, गिलास उठता नहीं है, भारी गिलास होता है तो उठने में भी काफ़ी दिक्कत करता है। तो इसलिए जो है साइज का गिलास हम इस सेट ग्रुप के अंदर डाल के, और ये वाला जो फीता है ये ग्रुप के बाहर पकड़ के तो साइज लेंगे, तो ये हमारा शीशा आराम से यहाँ लग जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं आएगी। और इसमें नीचे हम थोड़ी पैकिंग रख देंगे, जिससे कि शीशे का चढ़ाव जो है हमारा दोनों साइड हो जाएगा, ऊपर भी हो जाएगा शीशा चढ़ जाएगा और अंदर भी घुस जाएगा, तो पूरी मजबूती हो जाएगी। उसके बाद हमने इसमें पूरी अच्छी तरह से सिलिकॉन भर दिया है, और ये देखिए दोस्तों ये पूरा हमारा फ्रेम कंप्लीट हो गया है, इस तरह से कुछ आपको दिखा दूं। और ये मैंने जो हैंडल के सुराख करवाए हुए हैं, ये देखिए ये जो मैंने हैंडल के सुराख करवाए हुए हैं, ये मैंने पूरा नीचे से 36 इंची पे सुराख करवाया है, नीचे से जो है ना हमारा ये जो गिलास से हमारा गिलास से आ जाएगा कुल 2.5 फुट पूरा, ये जो हैंडल आ रहा है हमारा पूरा सेक्शन से नीचे सेक्शन में फीता लगाएंगे हम, और यहाँ पे देखेंगे तो पूरा 36 इंची में इसका सेंटर आ जाएगा। ये देखिए पूरा 36 इंची का हमारा ये सेंटर आ रहा है इसका, तो इसमें जो है हमारा हैंडल बिल्कुल सही से पकड़ में आता है, ज़्यादा ऊंचा भी नहीं हैंडल अच्छा लगता है, ज़्यादा नीचे भी हैंडल अच्छा नहीं लगता है, इसलिए हैंडल का जो है नीचे से बिल्कुल यहाँ जमीन से फीता रख के आपका 36 इंची में सेंटर आना चाहिए, उस हिसाब से आपका ये शीशे में सुराख हो जाएगा। उसके बाद हम ये हैंडल, ये जो हमने हैंडल लगा दिया इसमें, ये हैंडल लग जाएगा। उसके बाद ये पूरा आपका सेटिंग होने के बाद हमने ये जो मशीन का खड्डा किया था, ये हमने मशीन का खड्डा किया था, मशीन बिठाई थी इसमें, तो हमने थोड़ा सा इसमें थोड़ा 2-2 सूत फालतू रखा था, 2 सूत फालतू रखा था इसलिए कि हमारा मशीन को जो है एडजस्ट हमको करना होता है थोड़ा आगे पीछे इधर उधर, तो वो हमने पूरा एडजस्ट करके फिर हमने इसमें सीमेंट और रेता मिला के और इसके अंदर भर दिया है हमने पूरा। भरने के बाद हमारी मशीन बिल्कुल, अब यहाँ पे बिल्कुल मशीन मेरी सेट हो चुकी है, हमने ये सीमेंट रेत भर दिया, मशीन सेट हो गई है और डोर हमने बिल्कुल सेट कर दिया है। यहाँ नटों के द्वारा से अगर छोटी मोटी एडजस्टिंग आपकी नहीं होती है तो आप इससे नट से जो है आगे पीछे आप सेटिंग इसकी कर सकते हैं, अगर थोड़ी बहुत सेटिंग रह जाएगी तो नटों से हो जाएगी। तो इसलिए दोस्तों अब इस कंप्लीट हो चुका है और इसको बिल्कुल फाइनल मैंने कर दिया है। तो दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो आप जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, वीडियो कमेंट करें। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।